Hello everyone, welcome to the Road to CAT 99 channel, and today we will discuss step by step what to do when it comes to the CAT quants, है ना. Quants of every exam is quite similar, है ना. आप if you go for the CAT, ZAT, IFT and MET, SNAP, VA and other exams, तो आपको जो एक चीज कॉमन मिलेगी वो है कि जो आप CAT के लिए क्वांट्स करोगे that will cover ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपकी कैट की क्वांट्स अच्छी है तो आप एनमेट या स्नैप में क्वांट्स नहीं कर पाओगे. अगर आपकी कैट की क्वांट्स बहुत अच्छी है तो आप बाकी एग्जाम्स की जो क्वांट्स है उसमें आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. द रीजन इज कि जितना कैट में पर क्वेश्चन टाइम मिलता है उससे ज्यादा बाकी एग्जाम्स में टाइम मिलता है. सो यू और जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत कम है बाकी एग्जाम्स का. इवन इट व्हेन इट कम्स टू द दैट, जेड भी बहुत हाई बना रखी है बट इतना डिफिकल्टी लेवल जेड का भी नहीं है. कैट में क्या है कि तुम्हारे पास प्रेशर होता है एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन, तो वर्बल और डीआरआर का प्रेशर होता है तो उसमें बहुत बार दिक्कत आ जाती है ना. तो बेसिकली वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, है ना. तो अभी बहुत बच्चों ने स्टार्ट किया होगा, किसी ने नहीं स्टार्ट किया होगा, दैट इज सम अदर थिंग. लेकिन अगर नहीं किया है तो दिस इज द गुड थिंग, यू आर नॉट अ लेट. बट अगर आप इससे भी डिले करोगे तो यू विल बी फॉर श्योर लेट, है ना. तो अब देखो कैट का, पहले हम सिलेबस देखते हैं कि कैट का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देन मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पॉइंट आउट करूंगा कि मतलब एग्जैक्टली टॉपिक बाय टॉपिक हो क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में कितना एफर्ट्स देने की जरूरत है ना. तो वो हम सब डिस्कस करेंगे. तो जैसे पहले अर्थमेटिक्स में क्या 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 टॉपिक्स हैं, देखो पहला टॉपिक है परसेंटेज, है ना, परसेंटेज. देन आता है हमारा एवरेज, ठीक है. फिर हमारा एलिगेशंस एंड मिक्सचर आता है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर, ठीक है. फिर आता है हमारा SICI, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर आता है हमारा टाइम एंड वर्क. फिर आता है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है. फिर एक टॉपिक है या मतलब एक कंसेप्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है. बेसिकली हमारा अर्थमेटिक्स में ये है, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस एक हो गया, ठीक है. तो हमारा सब कुछ ये है, ठीक है. एक पार्टनरशिप हो गया. तो बेसिकली ये हमारा अर्थमेटिक का मेन पोर्शन है. दिस इज अर्थमेटिक, राइट, दिस इज अर्थमेटिक. तो मैं बताता हूं आपको एक्चुअली आता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी होगी. एक स्टार्ट से पहले थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कैसे उसको क्रैक करना है, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है. तो व्हेन इट कम्स टू द अर्थमेटिक के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, है ना. इवन मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं. अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा मेन गेम है कैट में, ठीक है. और इवन आप देख लो टॉपिक्स की लिस्ट इतनी बड़ी है तो एक एक दो क्वेश्चन भी सबसे आए तो इट विल कवर अप अराउंड 10-12 क्वेश्चन इजिली, ठीक है. अब देखो परसेंटेज में क्या होता है. परसेंटेज में बेसिकली ये होता है कि परसेंटेज में आपको मैंने एक बार वैल्यू 10% से इंक्रीज की, 20% से इंक्रीज की, फिर 30% से डिक्रीज की, तो तीनों का मिला के नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा. बेसिकली परसेंटेज चैप्टर इज टू बिल्ड आउट योर बेसिक्स, है ना. ये बेसिक्स बिल्ड करने के लिए है, ठीक है. और परसेंटेज में आपको जो काफी परसेंटेज जैसे 1/5 क्या होता है, 20% होता है, या कभी 25, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा है 90 फॉर एग्जाम्पल 80% और आई वुड से 80 का 20% कितना होता है, तो 20 यू नो 20% इज 1/5, तो आप 80 का 1/5 करोगे 16 वुड बी योर आंसर, है ना. तो इतना इजी नहीं आता, 20% नहीं पूछेगा, 14.28 पूछेगा तो मतलब 1/7. और ये चीजें अल्टीमेटली सिर्फ परसेंटेज अर्थमेटिक में यूज नहीं आएगा. कभी आपको बोल देगा रेडियस 14.28% से इंक्रीज हुआ है तो यू शुड नो कि 1/7 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है. फिर एवरेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एवरेजेस देखने में काफी सिंपल लगता है बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. लाइक जब आप किसी भी नंबर्स का एवरेज लोगे, है ना, तो उसका जो एवरेज आएगा वो मिनिमम वैल्यू से बड़ा आएगा और मैक्सिमम वैल्यू से कम आएगा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा. और इससे रिलेटेड एक DLR का क्वेश्चन भी बना हुआ है. तो मेरा देखो मैं बता ये सब इसलिए रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी यूज आ सकती है. आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कैट के लिए, रट्टा नहीं चलेगा. ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को आप रटो, बट जैसे अर्थमेटिक पूरा समझने वाली बात है, ठीक है. तो ये हो गया. अब एलिगेशंस एंड मिक्सचर में क्या होता है कि कोई आपके पास दूध है और आप दूध में पानी मिक्स करते हो, फिर कुछ पोर्शन निकाल लेते हो, फिर मिल्क ऐड कर देते हो, फिर कुछ पोर्शन निकाल लेते हो, फिर मिल्क ऐड कर देते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या एलिगेशन एंड मिक्सचर में ऐसा भी आ सकता है कि गर्ल्स ने 50% मार्क्स स्कोर किए और बॉयज ने 60% मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। अब जब मैंने बोला गर्ल्स ने 50 किए, बॉयज ने 60 किए, तो आपको दिमाग काम करना चाहिए कि जो ओवरऑल है वो 50 और 60 के बीच में आएगा। जब ओवरऑल 50 और 60 के बीच में आएगा तो आई वुड से 55 ओवरऑल आ रहा है, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेशियोज मतलब आपको कुछ डाटा देगा, उससे कुछ आपको इनडायरेक्टली डाटा इन्फर करना पड़ेगा। जब आप डाटा इन्फर कर लोगे उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, जनरली ऐसा होता है। सीआईएसआई में बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस एसआई से कई बार क्वेश्चंस नहीं आता, कई बार आता भी है तो बहुत इजी आता है। बट बेसिकली इट अगेन डिपेंड्स कि आप एसआई को कितना ध्यान से पढ़ते हो, सीआई को कितना ध्यान से पढ़ते हो, है ना। तो ये सब पे भी मैटर करता है। फिर जब सीआई का क्वेश्चन आता है, सीआई में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दे देगा, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट दे देगा, बोलेगा प्रिंसिपल फाइंड करो, कभी बोलेगा रेट फाइंड करो। तो काफी बहुत वैरायटीज के क्वेश्चन ऐसे ही सीए में, कोई छोटा टॉपिक लगेगा बट छोटा टॉपिक नहीं है। टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, बट इसमें भी कई बार वो चाहे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकता है। दो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने नहीं बनते, व्हेन यू गेट होल्ड ऑफ द टॉपिक तो उसके बाद आपको ये टॉपिक ईजी लगेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखो रेसेस के क्वेश्चन है, ठीक है, बोट्स के क्वेश्चन है, फिर एक गन फायर होती है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक रिवर में आप जा रहे हैं तो आपका कुछ गिर जाता है, मान लो आपके हाथ में फ्लावर है तो वो गिर गया तो वो कहीं और ट्रेवल कर गया, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ट्रेन्स के क्वेश्चंस हैं। तो टीएसटी इज अ वास्ट टॉपिक, है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। इसमें क्वेश्चंस की जो आई वुड से कि एक लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी हाई है एज कंपेयर टू अदर अरिथमेटिक पोर्शंस, ठीक है। तो ये आपको काफी अच्छे से करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट यू हैव टू लाइक कॉम्पोनेंट और डिविडेंड एक रूल होता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद कंपाउंडेड क्या होता है, मतलब बेसिकली कुछ कुछ टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है बैक इन द 2000s, तो अगर वहां पे आया हुआ है तो दोबारा भी पूछ सकता है, तो उसका बेसिक्स तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन काफी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं कि इतने की चीज इतने में बेची, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो सब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली होते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे मान लो आपका जो आप मेजर करते हो, आपका जो मीटर स्केल होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर की जगह 90 सेंटीमीटर है, या आपका वेइंग ग्राम है वो 1000 ग्राम्स की जगह मतलब 1 किलो को 1000 ग्राम्स नहीं बताता, 900 ग्राम बताता है। तो इससे क्या है, शॉपकीपर का फायदा होता है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली कितना फायदा हो रहा है ना। ये सारा कुछ मैंने कवर ऑलरेडी किया हुआ है यूट्यूब पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चंस बेसिकली आप जैसे समझ ही सकते हैं, पार्टनरशिप का देखो, पार्टनरशिप में अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत इजी लगता है और बहुत इजी भी आता है। बट जो कैट क्वेश्चन सेटर है वो कई बार ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है कि एग्जाम में नहीं हो पाता। इसका एक क्वेश्चन पिछले रिसेंट ईयर्स में आया था, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी बच्चों से नहीं भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में यही होता है कि आप जो जो पोर्शन में कैपिटल लाओगे उसमें डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होता यही है। बट मैंने आपको आंसर देके क्वेश्चन वाला डाटा पूछ लिया तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो उस हिसाब से आपको यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन योर कंसेप्ट्स, ठीक है। तो ये सब था, है ना। तो बेसिकली मोटा मोटा यही होता है अरिथमेटिक में। नाउ वी विल मूव टू अदर टॉपिक, ठीक है। अदर टॉपिक में मैं बताता हूँ फिर जैसे हम नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। तो अब क्या है कि कैट में देखो क्वांट्स के 22 क्वेश्चंस आते हैं। तो 22 क्वेश्चंस में यू डोंट हैव मच चॉइस टू लीव और टू डू, एंड इवन फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट एग्जामिनर के पास इतना चॉइस नहीं होता कि वो तुम्हें क्या दे क्या नहीं, तो वो हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन देता है। तो हर टॉपिक की अपनी एक इक्वल वैल्यू है, इवन नंबर सिस्टम की भी इक्वल वैल्यू है। नंबर सिस्टम में बेनिफिट ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर आर नॉट कंसेप्चुअल, ऑब्वियसली इट इज कंसेप्चुअल, बट मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज और मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डन विद द फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे फॉर्मूला इज द मेजर मेजर थिंग, है ना। एक बार कंसेप्ट्स को गो थ्रू करो सारा, फिर फॉर्मूला जैसे HCF LCM रूल आ गया, है ना, और फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर फैक्टर्स डिविजिबल बाय, ठीक है। फिर एक बेस सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है ना, और यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, ये सब फाइंड करना। रिमाइंडर थ्योरम्स आती हैं, तो काफी कुछ आता है ना, रिमाइंडर थ्योरम। ये सब आपको नोट नहीं करना, ये आप जब भी कोई भी करिकुलम कोई भी कोचिंग को फॉलो करोगे तो ये सारे टॉपिक्स वो आपको करवाएंगे। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि आपको एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट जो आपकी 3-4 मंथ्स की जो जर्नी है वो किस टाइप की जर्नी होगी, है ना। तो ये है, जस्ट अ मिनट गाइस। So guys, we were at the number system. So number system में मैं बता रहा था कि basically it's a formula oriented mainly, है ना। तो conceptual understanding is again you need in every topic, and so is the same for the number system also. And basically number system में questions, if you practice decent amount of questions, तो as such कुछ problem नहीं आने वाली। The next topic we will discuss is geometry. देखो ये टॉपिक आई विल से कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ, दो द अमाउंट ऑफ द कंटेंट इज टू लार्ज, है ना, तुम्हें शायद 1 महीना भी देना पड़ जाए, बट इट विल बी वर्थ इफ सच अंडरस्टैंडिंग कैन फैच यू 6 marks, 7 marks and a lot more marks in some other examinations. दैट में काफी आता है ज्योमेट्री। तो कोई भी टॉपिक यार, नाउ वी हैव इनफ टाइम, है ना, कोई टॉपिक को 1 महीना भी लगेगा, वी कैन गिव दैट। एंड दिस विल द कैट सिलेबस विल नॉट इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर आप कोई एक टॉपिक एक्स्ट्रा भी करोगे तो आपका ओवरऑल जो आपकी थिंकिंग है, जो ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड है, वो भी बढ़ता है, आपका सोचने का तरीका बढ़ता है। बिकॉज ज्योमेट्री में क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, एंड इवन बाय हैविंग द फॉर्मूलाज एट योर प्लेस यू समटाइम्स ऐसा होता है कि यू कांट फिगर आउट कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो व्हेन यू सी द सॉल्यूशंस, व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ, यू तो आपको समझ आएगा यार ऐसा भी सोचा जा सकता है ना। एंड दैट अल्टीमेटली आल्सो हेल्प्स इन द डीएलआर आल्सो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये टॉपिक्स होते हैं। रोम्बस होता है, ठीक है, ट्राइंगल पे मेनली ज्यादा फोकस होता है, फिर पेरीमीटर पे होता है, फिर एक्यूट ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो बहुत सारा टॉपिक होता है ना। तो उसके बाद जो मेजर आता है दैट कम्स द अलजेब्रा। तो बेसिकली अलजेब्रा में क्या होता है, देखो कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन से होते हैं, easy stuff. Basically algebra is all easy because algebra mein you don't have to worry a lot of about a lot of things. You just have to know the concept, you just know where you can do mistakes. So wo mistakes avoid karni hai because even the examiner knows ki algebra mein there is no such thing jahan pe tumhe kahin phasaya ja sakta hai. So basically tumhari silly mistake karne ki try karwata hai, and with a decent amount of practice ye sab cheeze clear ho jati hai। quadratic equation, theek hai, फिर आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, एंड देन लॉग्स, एंड फिर आता है फंक्शंस, फिर एएमजीएम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, पीएनसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब बच्चे बोलेंगे पीएनसी हार्ड होता है, नहीं होता। तो बेसिकली देखो पीएनसी का डीएलआर में भी यूज काफी आता है, और पीएनसी का अलजेब्रा में भी यूज काफी आता है, और इसको समझना और करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना। इनइक्वालिटीज, तो दिस इज ऑलमोस्ट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस जो आपका एक कैट का सिलेबस है, एंड इवन आई वुड से क्वांट का सिलेबस है। फॉर एनी एग्जाम दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक, है ना। इसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत रह गया, वो तो आप जैसे जैसे स्टडी करोगे, जहां से भी करोगे। बस माय ओनली एडवाइस इज कि जो भी आप स्टडी करो, जहां से भी करो, है ना, फॉलो वन सोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ से कर रहे हो, कल किसी और से, परसों किसी और से। तो वो क्या कि जो आपका मेंटल स्टेट है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है स्विच करने में। कभी आप कौन सा तरीका याद करते हो, फिर कोई और टीचर का कोई और मेथड होता है, फिर किसी और टीचर का कोई और मेथड होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई सोर्स, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देखो सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो पॉसिबल। सेल्फ स्टडी में अगेन इट डिपेंड्स कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। मान लो पास्ट में आपने कभी सेल्फ स्टडी की ही नहीं है, तो आज आप सोचो कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो मे भी आप कर पाओ, है ना। nothing impossible, but again when it comes to the self study a little more dedication is required. and सेल्फ स्टडी का एक मेजर एडवांटेज भी है कि आपने अगर एक बार चीज पढ़ ली तो यू विल नॉट एवर फॉरगेट, है ना। वीडियो देख के ये होता है कि हम थोड़े स्लीपी हो जाते हैं या कुछ कई बार इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो वैसा कुछ नहीं होगा इन केस ऑफ दिस थिंग, है ना। तो अब देखो व्हेन इट कम्स टू द क्वांट प्रैक्टिस, तो एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर डूइंग द सिलेबस प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। प्रैक्टिस प्लस मॉक्स, मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मटेरियल टाइम का बुकलेट यूज कर सकते हो, वेरी गुड। मॉक्स के लिए IMS एंड CL का मटेरियल और पास्ट ईयर मॉक्स यूज करो, इट इज टू गुड, है ना। टाइम का यू कैन अवॉइड, और इफ यू हैव टाइम तो आप टाइम का कर लो। टाइम का थोड़ा बहुत उनका एक बायसनेस है, वो रिपीटिव क्वेश्चन देते हैं जो कि कैट में नहीं आते। and more than this past 25 years की booklet, that is too much important. past 25 years की booklet is again too much important. तो ये सब है ना। अब आप अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो तो what you should do in अप्रैल वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बेसिकली अप्रैल मंथ में तुम्हें टारगेट लेना है कि तुम्हें 4 चैप्टर्स करने हैं, मतलब पर वीक 1 चैप्टर करना है, ठीक है। अभी आप किस स्टेज पे हो आई डोंट नो, अगर आपने काफी कुछ कवर कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं किया तो अप्रैल मंथ में 4 चैप्टर करने हैं, 1 2 3 4। स्टार्ट कर रहे हो तो परसेंटेज से स्टार्ट करो और अर्थमेटिक से स्टार्ट करो, अर्थमेटिक में परसेंटेज से स्टार्ट करो। इस ऑर्डर में भी स्टार्ट कर सकते हो या जो भी ऑर्डर आपको सही लगे कर लो। बेसिकली परसेंटेज एंड एवरेज हेल्प्स यू टू गेन सम बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टफ, एंड थोड़े इजी चैप्टर्स हैं तो आपका एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, है ना। और बेसिकली ऐसा है कि आप परसेंटेज की नॉलेज होगी तो दिस नॉलेज वुड बी एप्लीकेबल इन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस, डिस्टेंस, एलोकेशन, मिक्सचर, SICI, तो सब में बहुत अप्लाई होगा ये सब, ठीक है। और इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए टाइम की बुकलेट, उसमें सेक्शन A सेक्शन B ऐसा होता है, दोनों कर लो, ठीक है। अरुण शर्मा का, यार अरुण शर्मा इज वेरी आउटडेटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका तो अपडेटेड वर्जन आ रहा है, सेम वर्जन है। आप 2010 और 2020 का वर्जन उठाओ, बिल्कुल सेम है। तो आई विल सजेस्ट कि उससे बढ़िया टाइम का मटेरियल यूज करो, वो ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। एंड इफ यू आर इन दिल्ली तो आप एक दरियागंज मार्केट लगती है बुक की, वहां पे जाके आप टाइम का मटेरियल ले सकते हो, बहुत सस्ता मिल जाता है ना। और इवन इफ यू आर नॉट, मतलब आप किसी पास्ट बंदे को कह दो, मतलब जिसने कैट ऑलरेडी दे दिया हो, उनके पास भी काफी बुकलेट्स होते हैं तो वो आपको भेज देंगे जहाँ भी, है ना। लिंक्डइन पोस्ट डाल दो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो किसी से ऐसे से, ठीक है। एंड डोंट कलेक्ट टू मच मटेरियल, टू मच, वो एक प्रोवर्ब है ना, टू मच कुक स्पॉइल द ब्रोथ, है ना। तो एक वैसा ही थिंग हो जाएगा। मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे बहुत मटेरियल, मतलब उनको ये लिंक भी करना है, ये भी करना है, कलेक्ट करना है, एक्चुअल में नहीं करना। ये इतने लिंक्स, इतने तो मैंने देखे नहीं है जितने आप कलेक्ट कर रहे हो। मतलब मेरे व्हाट आई यूज टू डू, मेरे पास जो मटेरियल है उसका मैंने पहले, मान लो मैं भी मटेरियल कलेक्ट करता था, एंड फिर आई हैव वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल कि मुझे कौन सा एक्चुअल में करना है। मान लो मैंने कह दिया कि मुझे अब ये वाला करना है तो उसके बाद मुझे ये करना ही है, फिर जो मटेरियल आता जाए आई कीप ऑन इग्नोरिंग, बिकॉज मटेरियल, यार कभी ऐसा हुआ है कि मटेरियल कैन मेक यू और ब्रेक यू। मटेरियल, आप क्या सोच रहे हो कि आप जो बेस्ट टीचर के पास जा रहे हो, जो बेस्ट मटेरियल ले रहे हो, वो क्या थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के पास नहीं है? सबके पास है। बट इवन आप देखोगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, जो टीचर ने 99 परसेंटाइल प्रोड्यूस किया है उसने 19 परसेंटाइल भी प्रोड्यूस किया है, उसने 9 परसेंटाइल भी प्रोड्यूस किया है। तो इट्स नॉट अबाउट विच इन विच कोचिंग यू आर, इट्स मोर अबाउट हाउ यू परसीव दैट मटेरियल, हाउ यू टेक दैट, हाउ यू प्रैक्टिस। कैट के पास्ट ईयर के पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे, वो पास्ट ईयर के पेपर्स किसी टीचर के, किसी मटेरियल, किसी कोचिंग के नहीं है। दैट इज प्योर कैट पास्ट पेपर। जो बंदा वो लगा लेगा, दैट पर्सन ही और शी विल सी ग्रोथ इन हर मार्क्स, है ना, इन इंप्रूवमेंट इन मार्क्स। और जो नहीं लगाएगा उसका ऑब्वियसली स्कोर डाउन जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज लक पे है, सब चीज हम बच्चे बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर टू पर्सन, एक बंदा नर्वस हो रहा है एग्जाम में, एक बंदा नर्वस नहीं हो रहा, तो व्हाट यू थिंक कि गलती है या किसी की नहीं है इसमें? ऑब्वियसली मतलब एक एक्सटेंट तक तुम नर्वस हो सकते हो, मतलब जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ आप फर्स्ट 2 मिनट्स के लिए नर्वस हो, इट्स ओके। रेस्ट 38 मिनट्स के लिए आप नर्वस कैसे हो सकते हो? दैट मीन्स देयर इज सम lack of practice, lack of revision, lack of experience of mocks. आप घर पे अगर 50 मॉक्स देके जाओ तो नेक्स्ट जो आपका कैट का एग्जाम होगा एक्चुअल उसमें मॉक्स ही लगेंगे वो। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कीप ऑन आस्किंग डाउट्स कि मेरा ये प्रोफाइल है, मैं प्रोफाइल कैसे इंप्रूव करूं, मेरा ये चीज है, बट एक्चुअल दे डोंट नो द रियलिटी कि जब कैट की कोई आईएम के पास एप्लीकेशंस आती हैं दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर 10th 12th ग्रेड एंड कैट स्कोर एंड वर्क एक्स। दे डोंट नो एट दैट टाइम कि आपने कहाँ वर्क एक्स किया, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कॉलेज में क्या रहे हो, कुछ नहीं पता उनको। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इज ऑफ कैट। और जब आप इंटरव्यू में बैठते हो इवन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस, द पैनलिस्ट विल ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। मान लो मेरे पास कोई भी रैंडम बंदा आए, आई कैन एटलीस्ट उससे पूछ सकता हूं कि कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपने व्यूज दो, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में अपने व्यूज दो, मुझे आप कुछ फेवर में बताओ कि 20th century वॉज बेटर देन 21st century। ये सब चीजें तो कॉमन है। मुझे बता दो आप इंडिया का पीएम कौन है, सीएजी क्या है ये बता दो, है ना, कोई एक गैस्टिमेट सोल्व कर दो। ये सब चीजें तो मैं पूछ सकता हूं। तो इसकी टेंशन लेने की बजाय कि आपका क्या प्रोफाइल है, आपको कौन सा मटेरियल है, देखो मटेरियल सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी मटेरियल वाला बंदा अपने घर पे क्वेश्चंस नहीं बनाता बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। जो आईएमएस के बंदे हैं, मोक्स वाले बंदे हैं, वो नए क्वेश्चंस बनाते हैं। जो मटेरियल एज व्हेन इट कम्स टू द मटेरियल, जो सालों से वो ही मटेरियल चला आ रहा है क्योंकि द मटेरियल इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड एंड वेल रिफाइंड। उसमें अब और चेंजेस की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ के तुम्हारा कैट आराम से क्रैक हो सकता है। बट हमें दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत तब फील होती है जब इट कम्स टू अस, जब हमें स्टडी करनी है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू ओनली। आप मटेरियल की बजाय आप टॉपिक वाइज जाओ, मुझे आज परसेंटेज करना है, मैं यूट्यूब पे परसेंटेज डालूंगा, परसेंटेज आ जाएगा, उसके बाद मुझे 200 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज करने हैं, देन मुझे पास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे परसेंटेज के करने हैं, उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन देखूंगा, मेरे हो रहे हैं क्वेश्चन तो आई एम वेल एंड गुड, नहीं हो रहे देन आई विल रिपोर्ट टू रोड टू कैट 99। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि मैंने ये सब किया, मेरे नहीं हो रहा, है ना, तब हम देखेंगे कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। बट व्हाट पीपल वांट इज, पीपल वांट सॉल्यूशन बिफोर द प्रॉब्लम। आपने फेस प्रॉब्लम की ही नहीं है उससे पहले आपको सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आई विल नॉट से लॉट ऑफ थिंग। अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में इफ यू आर स्टार्टिंग और इफ यू हैव स्टार्टेड इट्स वेरी 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 गुड। आप मुझे मई में आके बोलोगे कि मैंने स्टार्ट अब करना है तो it will be a little bad thing to hear, but it's fine and I wish you all the very best. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि I want you people to start to actually do things, है ना। तो इसलिए मैं वो नहीं चाहता कि भाई बस ये सिलेबस है, जल्दी 5 मिनट की वीडियो और 5 मिनट का प्रमोशन। I don't want like that. I want a true honest advice from my side to you, है ना। I think वो मैंने दे दी है and if you have any another queries please post in the comments and share the share जरूर करना चैनल को because actually जब लोग आते हैं काफी एक अच्छा ग्रुप बनता है। like अभी मेरे ग्रुप में सारे कैट 2022 एस्पिरेंट्स हैं और उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया तो और वो काफी अच्छी जगह पर जाने वाले हैं कुछ अपकमिंग मंथ्स में। तो the group is majorly consist of that people, है ना। तो अभी आप ग्रुप शेयर करो, लिंक शेयर करो एंड व्हेन पीपल कीप ऑन ज्वाइनिंग तो काफी अच्छा डिस्कशन होता है, काफी अप्रोचेस पता लगती हैं, काफी क्वांट्स की, डीएलआर वीआरसी की, है ना। और फिर जो भी और वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो कि नेक्स्ट टॉपिक पे, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वी विल कीप डूइंग कंटिन्यू दिस सीरीज, है ना। तो थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।